my name is Muskan, and you are watching Knowledge Scoot. So today in this video, we will analyze uh, MA entrance exam uh, of um, geography, and we will see uh, which are the topics from uh, where uh, mostly the questions are being asked. So guys, before I will move forward, please do like, share, and subscribe my channel, and um, don't forget to hit the bell icon. uh, so basically uh, we will see uh, we are analyzing the entrance paper of himachal pradesh university so it is uh, applicable mostly for the himachal pradesh university jo bachche jo hai entrance dena cha rahe hain 2024 mein so unke liye hai ye so अगर कोई दूसरे university के भी बच्चे हैं तो दे कैन also see the video because uh, जो टॉपिक है मोर और लेस वो सेम ही जो है वो पूछे जाते हैं सो so, आपको टॉपिक के बारे में बुक्स के बारे में पता लग जाएगा इस वीडियो में सो यू पीपल कैन सी इट एज वेल सो अगर हम 2019 की बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे देखो जो मॉर्फो से जिसमें इसमें जो है जैसे इसमें दिखाया है तो जो में जो है वो आपका सोलह क्वेश्चन सोलह क्वेश्चन पूछे गए थे क्लाइमेटोलॉजी से चौदह ओशनोग्राफी से दस एनवायरनमेंट से चार ह्यूमन जोग्राफी से चौदह जोग्राफी ऑफ इंडिया से तेरह प्रैक्टिकल जोग्राफी से नौ जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से थर्टीन एंड अप्लाइड एंड वर्ल्ड जोग्राफी से सेवन सो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपके फिजिकल जोग्राफी से पूछे जा रहे हैं जिसमें आपका ये चार सब्जेक्ट आ रहे हैं जियोमॉर्फो क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी एनवायरमेंट राइट एंड सेकेंड पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है देन कम्स योर ह्यूमन जोग्राफी जिससे चौदह क्वेश्चन देन जोग्राफी ऑफ इंडिया और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जोग्राफी और एंड जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मेनली आपका जी भी पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का राइट सो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि जो वॉर्फो में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं क्लाइमो से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं राइट सो बेसिकली हम जो है फोर इयर्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे टू uh, थाउजेंड का ट्वेंटी वन का ट्वेंटी में तो हुआ नहीं था कोविड की वजह से तो ट्वेंटी वन का ट्वेंटी टू का ट्वेंटी थ्री का सो सी टू थाउजेंड वन ट्वेंटी वन में जो है जो मॉर्फोज से तेरह क्वेश्चन क्लाइमो से चौदह ऑश्शनोग्राफी से नौ एनवामेंट से चार ह्यूमन जोग्राफी से ग्यारह जोग्राफी ऑफ इंडिया से सेवनटीन प्रैक्टिकल जोग्राफी से थर्टीन जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से फोर्टीन एंड अप्लाइड इन वर्ल्ड जोग्राफी से पाँच या छः क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं सो so, इस तरह का जो है वो पैटर्न है मोर और लेस जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी का वो सेम है शिफ्टिंग आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिकल जोग्राफी में मिलेगी राइट सम टाइम प्रैक्टिकल जोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवर कम जोग्राफी ऑफ इंडिया के साथ भी सेम सेम ही चलता है लेकिन जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो हमेशा जो है दस से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं राइट right? और मैं आपको इसका जो है वो पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर आता है जैसे क्वेश्चन पेपर है वो हंड्रेड मार्क्स का आता है आपका एम एंट्रेंस का बट जो वो हंड्रेड मार्क्स हैं अब उसमें क्या होता है कि वो पचास नंबर का जो है उसको कैलकुलेट करते हैं यूनिवर्सिटी फिफ्टी परसेंट उसकी वेटेज होगी यानी कि जो दो मार्क्स हैं वो दो क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का होगा तो सौ क्वेश्चन होंगे जो कि पचास मार्क्स के होंगे उसके बाद जो है आपका जो फोर्टी परसेंट जो वेटेज है वो आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं उनको दी जाती हैं और उसके बाद जो टेन परसेंट जो जो वो आपके प्लस टू के जो ग्रेजुएशन में सॉरी प्लस टू में जो मार्क्स आए होते हैं उनको देते हैं राइट तो इसका मतलब है कि आपको समझाती हूँ यहाँ पे टेन परसेंट आपका प्लस टू से लिया जाता है राइट एंड फोर्टी परसेंट जो है वो आपका ग्रेजुएशन से लिया जाता है और फिफ्टी परसेंट जो है वो आपका इस एंट्रेंस से लिया जाता है राइट तो आप कोशिश करें कि एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करें राइट नाउ कमिंग टू क्योंकि इसकी फिफ्टी परसेंट विटेज है टू थाउजेंड ट्वेल्व में सॉरी ट्वेंटी टू में अगर हम देखें सो so जियोमार्फोलॉजी में नाइनटीन क्वेश्चन इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं क्लाइमो में ग्यारह क्वेश्चनोग्राफी में आठ इन्वायरमेंट में तीन ह्यूमन जोग्राफी में थर्टीन जोग्राफी ऑफ इंडिया में फोर्टीन प्रैक्टिकल जोग्रफ़ी में नौ जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में फिफ्टीन अप्लाइड इन वर्ल्ड जोग्रफी में आठ राइट सो अगर आप देखें तो जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश जोग्राफी भी पूछी जाती है और जनरल क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं तो दस से ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने जैसे आपको कहा दस से बारह दस से बारह मतलब क्वेश्चंस जो है वो हमेशा ही जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश या जनरल जो जी के होता है हिमाचल का वो पूछा जाता है तो उसके लिए जो है आप प्रिपरेशन जो है मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि जनरल जी के जो है हिमाचल प्रदेश का प्ले लिस्ट में है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आप उनको करेंगे तो आई थिंक आपका जो दस से बारह पंद्रह जितने भी मार्क्स होंगे वो आपके कहीं नहीं जाएंगे उतने मतलब अगर आप उनको देख लें तो पूरा उसमें कवर हो जाएगा क्योंकि जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश और जो जनरल जी के हैं हिमाचल का वो मैंने उसमें पूरा कवर किया है राइट एम सी क्यू पोर्शन भी है उसमें और टॉपिक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसमें सो so, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी राइट बाकी जो बुक्स का है आ, किसके लिए क्या करनी है कौन सी बुक्स देखनी है सो so, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी अभी राइट ना दो में अगर आप देखें तो जो मॉर्फोसिस सतारह क्वेश्चन आ गए इंक्रीज हो गए क्लाइमेटोलॉजी से अठारह क्वेश्चन तो अगर आप देखेंगे जो मॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी इसमें काफ़ी वेरिएशन है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है तो फिजिकल जो जोग्राफी का पोर्शन है उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है राइट जोग्राफी ऑफ इंडिया में भी फोकस डालना है ह्यूमन जोग्राफी में भी और प्रैक्टिकल जोग्राफी में भी सो ये जो बाकी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके सामने हैं आई विल नॉट रीड ऑल फॉर यू बिकॉज आपको दिख ही रहा है राइट right? और आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए अपनी फिर खुद से भी एनालाइज़ कीजिए कि क्या किस तरह का आपकी खुद की एक स्ट्रैटी रहेगी सो so चलिए मैं इसमें आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ फिर हम जो टॉपिक्स को देखेंगे सो so जो मार्फों के लिए क्लाइमेटोलॉजी ओश्नोग्राफी एन्वायरमेंट के लिए बेसिकली आप इसके लिए सरविंदर सिंह की बुक हैं इट्स अ स्टैंडर्ड बुक तो अगर आप उसको ले देख लेंगे सो मोर देन सफिशियट है राइट right? और अगर आपको सेपरेट बुक्स देखनी है अलग अलग इनके लिए तो मॉर्फो के जो मॉर्फोलॉजी के लिए जैसे जी सी यू है आपकी वो भी अच्छी बुक है एंड uh, सरविंदरा सिंह के अलावा और भी कई सारी बुक्स आती हैं जो मॉर्फोलॉजी में लेकिन सरविंदरा सिंह अगर आप कर लो अपने सोर्सेज अगर लिमिटेड रख लो क्योंकि आपको कन्सेपचुअल क्लैरिटी ही चाहिए अभी तो तो आप वो सफिशेंट है क्लाइमेटोलॉजी uh, के लिए सेपरेट बुक देखना चाहते हो तो ओलीवर की बुक आती है एक राइट अडी एस लाल है मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ बाकी सरविंदरा सिंह इज सफिशेंट ओशनोग्राफी के लिए भी आपकी सरविंदरा सिंह आती है राइट right? सरविंदरा सिंह की सेपरेट बुक भी आती है जो मॉफरों के लिए अलग क्लाइमेटोलॉजी के लिए अलग इस तरह से एनवायरमेंट के लिए आप सरविंदरा सिंह भी देख सकते हो एक शंकर आई एस की बुक आती है उसको भी देख सकते हो हालांकि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपके लिए सरविंदर सिंह ही सफ़िशियंट है इस टाइम पर देन ह्यूमन जोग्राफी में आप माजिद हुसैन को देख सकते हो उस ह्यूमन uh, जोग्राफी ही आई थिंक आपके जो uh, सरविंद्रा सिंह है उनकी भी है राइट अदर भी राइटर्स होंगे उनकी भी देख सकते हो लेकिन माजिद हुसैन सफिशेंट है जोग्राफी ऑफ इंडिया भी माजिद हुसैन uh, निकवर पूरे अच्छे से किया है तो आप उसको देख सकते हैं जोग्राफी ऑफ इंडिया बाकी एन आप जरूर देखें प्लस वन प्लस टू की जो फ़िज़िकल और ह्यूमन जोग्राफी की बुक्स हैं उनको ज़रूर देखें आप प्रैक्टिकल जोग्राफी में आपका जैसे तीन है आपका जी है रिमोट सेंसिंग है और कार्टोग्राफी है क्वान्टिटेटिव टेक्निक तो आपको नहीं पूछते हैं सो जी के लिए जो है आपका मेनली जो बुक है दैट इज़ वासुदेव भट्टा राइट हालांकि एक से दो क्वेश्चन आते हैं और ये जनरल क्वेश्चन आते हैं जे आई एस फॉर या तो फिर जे आई एस में वॉट इज मैटर डाटा इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बाकी जे आई एस में आपको मतलब बुक्स रीड करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें बाकी आप देख लीजिएगा रिमोट सेंसिंग में भी वासुदेव भट्टा है सेम ही है बुक्स दोनों जे आई एस और रिमोट सेंसिंग के लिए एक ही बुक है वो तो उसको देख सकते हैं बाकी रिमोट सेंसिंग से भी जो मतलब क्वेश्चंस uh, आते हैं एक से दो आते हैं तो इसका ज़्यादा उतना अगर आप फोकस भी नहीं करेंगे तो आप कर रीलोगी क्योंकि मास्टर्स सॉरी uh, uh, आपने यूजी में तो इसको uh, जो है को एज अ कोर्स आपने स्टडी किया ही है देन कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कार्टोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो कार्टोग्राफी के लिए जो बुक है दैट इज़ योर जो है वो आपके uh, I, राइटर हैं दैट इज़ माजिद हुसैन हाँ सो माजिद हुसैन की आती है तो आप उसको देख लें इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे देन कमिंग टू जो जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए जैसे मैंने आपको बोला तो आप कोई जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको भी देख सकते हैं राइट uh, उसको भी देख सकते हैं और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा मेरी वीडियोस हैं अगर आप उनको देख लेंगे तो सफिशेंट मोर देन सफिशियंट मैं मानती हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपको ईजी मतलब जिनका स्टैंडर्ड नॉर्मल है वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अप्लाइड इन वर्ल्ड जोग्राफी के लिए आप अगर एटलेस आप ले लें मतलब ऑक्सफोर्ड एटलेस है या फिर कोई दूसरा एटलेस है तो अगर आप उसको अपने पास रखें और उसमें लोकेशंस देखते रहें और साथ ही साथ लोसेंट की जैसी बुक्स आती हैं तो उनमें भी जनरल और वर्ल्ड जोग्राफी होता है उसको देख लें तो वो मोर देन सफिशेंट हैं बाकी मैं आप लोगों को जो है आ, के लिए एक सीरीज जो है लाऊंगी जिस जिसका सीरीज़ का नाम रहेगा जोग्राफ़ी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आप उसको देखिएगा उसमें मैं आपका जो है ये पूरे टॉपिक्स जो है वो कवर करूँगी जो भी मैं आपको बताऊँगी अगर आप वो देख लेंगे डेफिनेटली आप ना केवल एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाएँगे बल्कि आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और यू विल चांसेस है कि आप अच्छे मैरिट में, में भी आएंगे ठीक है क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप मैरिड में आएंगे सो दे चांसेस कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा राइट बिकॉज़ बच्चों को यहाँ रहने के लिए दिक्कत होती है सो दे आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हॉस्टल और uh, मतलब हॉस्टल में रहना अच्छी बात भी है क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना है राइट right? आपको बहुत सारे जो जो मैनेजमेंट का काम होता है रूम में वो नहीं करना है सो ट्राई टू पुट योर बेस्ट एफर्ट राइट नाउ कम इन द मैरिट एंड आगे की जो दो साल है वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा मतलब सुखद भरे जो है वो होंगे तो आप अभी मेहनत कीजिए सो नाउ दी मेन फोकस देखें अगर आपका एंट्रेंस पेपर का जो मेन फोकस है वो किन में होता है जो मॉर्फोलॉजी में होता है क्लाइमेटोलॉजी में प्रैक्टिकल जोग्राफी में ह्यूमन जोग्रफी में जोग्रफी ऑफ इंडिया में जोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग जी के ओशनोग्राफी अप्लाइड प्लस वर्ल्ड जोग्राफी एंड ओशनोग्राफी ये मैंने आपको जो है रैंकिंग वाइज बताया कि सबसे ज़्यादा एंड कम राइट वैसे ओश्नोग्राफी दो बार आ गया है आई एम सो सॉरी फॉर दिस सो इस तरह से जो है इसका ग्राफ है एनवायमेंट एनवायमेंट यहाँ आना चाहिए था एनवामेंट नहीं है राइट सो दिस वे नाओ सी दी फिजिको एवरी वन लेट सी अबाउट फिज़िकल जोग्राफी के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं जिसमें हमारा जियोमार्फोलॉजी है क्लाइमेटोलॉजी है ओशनोग्राफी है एंड एनवामेंट है सो so, बेसिकली जो जियोमॉर्फो में अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं थ्योरीज एंड कॉन्टीनेंट सोलर सिस्टम से एंड कॉन्टीनेंट से जैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ड्रिफ्ट थ्योरी है ड्रिफ्ट हाइपथिस है या फिर सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई थ्योरी है एज इट अभी तक तो मतलब एक दो ही थ्योरीज पूछी गई हैं ज़्यादा कुछ नहीं बाकी जो आपके फ्लूविल साइकिल ऑफ इरोजन है राइट उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एंड देन पैंक क्या है इस आ, पैंक है आपका और किंग है एल सी किंग उसका भी जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं देन रॉक्स में अगर आप देखें तो रॉक्स में मेनली आपको जो टाइप ऑफ रॉक्स उनकी थोड़ी सी करेक्ट्रिस्टिक और जो है पूछ ली जाती है डन लैंड फॉर्म्स में आपकी डेपोजिशनल और इरोजनल जो फीचर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है जैसे आपके एयोलिन कोई फ़ीचर्स हैं ग्लेशियर फीचर्स हैं है, मेराइन फीचर्स हैं कोस्टल फ़ीचर्स हैं सी बीचर्स फीचर्स हैं है, या फिर आपके फ्लूल फीचर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है वेदरिंग में जो है आपको केमिकल फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग इनके बारे में पूछा जाएगा इनके जो एग्जांपल्स हैं उनके उनको देखें कि ये किस टाइप की वेदरिंग है इस टाइप के क्वेश्चन एंड देन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो में अगर आप देखें सो so, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो में आपको मेनली जो है टाइप ऑफ अर्थक्वेक क्वेक स्काइपी सेंटर फोकस इस तरह के क्वेश्चन या फिर ये वाला अर्थक्वेक कब कहाँ आया था वोल्केनो में भी मोर एंड लेस सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं देन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में जैसे अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी है वो किससे मापी जाती है इस तरह के क्वेश्चन कमिंग टू क्लाइमेटोलॉजी तो हमारे पास आपका टेम्परेचर आता है साइक्लोन एंडीसाइक्लोन ह्यूमिडिटी लोकल विंड्स मानसून एंड इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट सो so, टेम्परेचर में आपका यही पूछा जाएगा कि कौन से कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इन ऑफ टेम्परेचर इस तरह के क्वेश्चन साइक्लोन एंड एंटीसाइक्लोन साइक्लोन के डिफरेंट डिफरेंट नेम कहाँ पे साइक्लोन को क्या बोला जाता है ह्यूमिडिटी में जैसे किससे मापी जाती है या फिर रिलेटिव uh, uh, जो है ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन देन लोकल विंड्स अगर हम देखें सो so, लोकल विंड्स में आपका जैसे आपके आपके वैली विंड्स हैं राइट आपके कैटाबैटिक विंड्स हैं चिनोक है फ्योन है, uh, है इस तरह की जो विंड्स हैं ये कहाँ पे है राइट right? या फिर इनकी क्या करेक्ट्रिस्टिक है मॉनसून में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस uh, इंडिया के मॉनसून से रिलेटेड एंड वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं देन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कोपिंग की क्लासिफिकेशन जैसे राइट right? एंड थॉनवेट की क्लासीफिकेशन वो उससे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं आप देन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में जैसे मैंने आपको बताया जैसे एटमोस्फेयरिक्यूमिडिटी है उसको किससे मापते हैं इस तरह के क्वेश्चन देन ओशनोग्राफी में अगर हम देखें तो देन वी हैव ओशन करंट्स सेलिनिटी टेम्परेचर डेंसिटी कोरल रिफ्स लोकेशन ऑफ सी ओशनोग्राफी में अगर आप देखें तो ओशन करंट्स की जब हम बात करते हैं सो so, ओशन जो करंट्स है वो, वो कि कौन से ओशन करंट्स जो है कौन से ओशन में पाई जाती है राइट और डायरेक्शंस पूछी जाती हैं देन सेलिनली टेम्परेचर इंडेंसिटी कौन से सी में कितनी सेलिनिटी है टेम्परेचर कितनी है डेंसिटी कितनी है हेलोक्लाइन क्या होता है जो जोन होते हैं जोन ऑफ सेलिनिटी एंड थर्मोक्लाइन इस तरह की चीज़ें कोडर रीफ्स पूछे जाते हैं आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोडर रीफ पूछे जाएंगे या फिर कोल्डर रीफ बनते कैसे इनके लिए कितना टेम्परेचर सूटेबल है इस तरह की या फिर इससे रिलेटेड थ्योरी जो है डेविस ने दी है सब्सिडेंस थ्योरी इस तरह की थ्योरी जो है हालांकि पूछी नहीं है पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्रीफली आप देख लीजिएगा लोकेशन ऑफ सी डेड सी कहाँ है रेड सी का कहाँ है तो इस तरह से कि कौन सा सी किसके नज़दीक है राइट कंट्रीज़ के इनलैंड सी कौन सा है इस तरह के क्वेश्चन एनवायरमेंट में आप देखोगे तो कॉम्पोनेंट के बारे में मेनली आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे ए कंपोनेंट कॉम्पोनेंट कंपोनेंट कॉम्पोनेंट से कौन से हैं इस तरह से डे सेलिब्रेशन मानी जैसे हम अर्थ डे सेलिब्रेट कब करते हैं ओजोन डे कब करते हैं एनवायरमेंट डे कब करते हैं तो इस तरह की देन साइल के बारे में पूछा जा सकता है कि जोनल सॉइल कौन, कौन सी है जोनल साइल कौन सी है कौन से सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है या इनकी फिर साइल प्रोफाइल क्या है या फिर एक जो अरेंजमेंट है सॉइल प्रोफाइल का वो किस तरह का है उस तरह के क्वेश्चन एनवायरमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज जो है एनवायरमेंट एक्ट जैसे आपका नाइनटीन सिक्स कब आया राइट नाइनटीन एटी सिक्स में आया तो इसके थोड़े से मतलब फंक्शंस क्या हैं फंक्शंस तो पूछे नहीं जाते मेनली जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया फॉरेस्ट एक्ट कब आया या फिर आपका जो दूसरे जो एक्ट हैं इन्वयमेंट से रिलेटेड वो कब आए या फिर किसी का हेडकोर्टर्स कहाँ हैं एन वगैरह ये सब देख लीजिएगा पॉलिसीज़ एंड ऑल जैसे ग्रीन वैली आ, आ, जो है मूवमेंट वो कहाँ हुआ किस लिए हुआ इस तरह की चीज़ें देन कमिंग टू ह्यूमन जोग्रफी ह्यूमन जोग्रफ़ी में आपके पास पॉपुलेशन जोग्रफी है इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जोग्राफी है जोग्रफिकल थाट है एंड सेटलमेंट जोग्रफी है ह्यूमन जोग्रफी मेनली स्टार्ट होता है परसपेक्टिव से जोग्रफिकल थाट से लेकिन थाट आपने अभी मतलब यू जी में अपने कई कॉलेज में नहीं करवाते हैं तो नहीं होगा लेकिन आपने डरना नहीं है ये जो थॉट्स के जो ये अप्रोचेज़ है डिटर्मिनीज़म पॉसिबिलिज्म न्यू डिटर्मिनिज्म थोड़े बहुत जोग्राफर जो कि आपको ह्यूमन जोग्राफी की माजिद हुसैन की बुक में मिल जाएंगे उतना ही पूछा जाता है उससे बाहर का नहीं पूछा जाता है राइट right? सो so, ये है थॉट का मैंने आपको पहले ही बता दिया देखिए अब पॉपुलेशन देखिए आप पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है कितना राइज हुआ है पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है राइट right? या फिर कहीं नेगेटिव ग्रोथ हुआ है तो वो पूछेंगे लिटरेसी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन राइट right? सेम ही है फिजियोग्राफिक डेंसिटी क्या होता है और जो दूसरी डेंसिटी होती है वो उन पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जैसे माल्थस की थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से तो मैनली पूछे ही जाते हैं उनके स्टेजेस के बारे में वो किसने दी राइट right? वो क्या दर्शाती है सेक्स रेशो के बारे में कि कितना चेंज हुआ फ़ीमेल मेल सेक्स रेशो कहाँ कितना है एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन फर्स्ट है इंडिया कितने जो है वो रैंकिंग है इंडिया की क्या रैंकिंग है उस तरह के क्वेश्चंस ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेज़ अगर आप देखें तो क्या है राइट वेलफेयर अप्रोचेज़ क्या है तो इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जोग्राफ़ी में अगर आप देखें तो मिनरल्स के बारे में बेसिकली कि आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है गोल्ड की माइन्स कहाँ हैं दो चार एग्जाम्पल आपको दे देंगे पूछेंगे में से कौन सी गोल्ड की माइन है राइट माइनिंग लोकेशन पूछ लेंगे आपको वर्ल्ड में भी पूछ सकते हैं इंडिया में भी पूछ सकते हैं एंड देन क्रॉप पैटर्न क्या है राइट right? किस तरह की टेरिस फार्मिंग कहाँ होती है इस तरह के क्वेश्चन क्रॉप नेम डिफरेंट रीजन में जैसे जूम जो है क्रॉप शिफ्टिंग का जो नाम है जूम तो ये कहाँ पे बो, बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न में राइट वारदा ये कहाँ बोला जाता है राइट इस तरह का इस तरह के कोश्चन् रिसोर्स जैसे आपके आ, जो है वो नॉन रीन्यूबल रिसोर्स कौन से हैं आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे उनमें से छाटने हैं रीनीबल रिसोर्स कौन से हैं तो इस तरह के रिसोर्स में मैंने यही पूछा जाता है दैन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी एंड क्वीनरी इनके एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ है राइट right? इस तरह के क्वेश्चन एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो आपके अंकलेश्वर है जो कि आपके गुजरात में है तो वो पूछेंगे कि कहाँ है और किस लिए फेमस है तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे बहुत सारी जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी झारखंड एंड ओडिशा में तो उनके बारे में पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ सकते हैं राइट कि जैसे फजेंडा है उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फजेंडा सॉरी ये तो आ, इस तरह की जो चीज़ें है, हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कि फजेंडा क्या है राइट तो ये आपको देखना है कि फजेंडा क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि फजेंडा ब्राज़ील में जो है कुछ मतलब वहाँ पे फिजेंडा फार्मिंग को कहते हैं जो ग्रास लैंड होते हैं राइट तो वो है ये चलिए मैंने आपको बता ही दिया अब सेटलमेंट जोग्राफी में जैसे टाइप ऑफ सेटलमेंट पूछा नहीं जाता वैसे मोस्टली नहीं देखे गए हैं क्वेश्चन सेटलमेंट जोग्राफी से बट स्टिल मैंने आपके लिए लिख दिए आपने सेटलमेंट जोग्राफी तो देखी होगी मतलब अपने यूजी में होती होगी आप लोगों को सेटलमेंट एंड पॉपलेशन जोग्राफ़ी तो इसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत पूछ लेंगे ग्रोथ इन अर्बन सेंटर या फिर मेट्रोपोलिटन सिटी किसे कहते हैं सी क्या है रूरल इन्वामेंट राइट रूरल इंडेक्स क्या दर्शाता है इन्वामेंटल इंडेक्स इस तरह की चीज़ें बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं मैंने आपको जितना पूछा जाता है उससे ज़्यादा ही बताया है अगर आप ये कर लोगे मोर देन सफिशेंट है ये इतना दैन प्रैक्टिकल जोग्राफी में अगर हम देखें तो वी हैव हाँ कार्टोग्राफी हम इस पास से रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस है और साथ ही साथ हम इंडियन ज्योग्राफी का देखेंगे कार्टोग्राफी में अगर हम देखें तो वी हैव हाँ अ स्केल स्केल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सर्वे पे कि चेन सर्वे क्या है टेप सर्वे क्या है इस तरह की चीज़ें मैप टाइप्स के कैडिस्टल मैप क्या है आपकी एटलस मैप क्या है वॉल मैप क्या है टोपोग्राफिकल मैप या फिर इनको कौन बनाता है एजेंसीज़ के बारे में पूछ लेंगे मैप प्रोजेक्शन पॉलिकॉनिक प्रोजेक्शन होमलोग्राफिक प्रोजेक्शन पोलजैंडल प्रोजेक्शन मैप प्रोजेक्शन के बारे में पूछेंगे इक्विल जो आपके मैंक्यूटर प्रोजेक्शन है तो वो सारे आपने जो है देख लेने हैं उनको कोरोपलैथ एन डॉट मैप ये कहाँ यूज़ होते हैं राइट लाइन एंड बायोग्राफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा बेस्ट है इस तरह के कुछ मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी आप खुद भी जो है जो पी वाई क्यूज़ हैं उनको देखिएगा वो मैंने जो है एक प्लेलिस्ट में आप एम ए एंट्रेंस करके जोग्राफ़ी की प्ले लिस्ट है उसमें देख लीजिएगा चार से पाँच साल के जो पी वाई क्यूज़ हैं मैंने उसमें बताए हुए हैं आप वहाँ से जो है उनको नोट डाउन कर सकते हैं राइट right? बिकॉज आपके पास अभी ये विंटर वाला समय है छुट्टियाँ होंगी ऑलमोस्ट आपके कॉलेज़ में सो so, आप लोग जो है विंटर्स को बहुत अच्छा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इनको लिखिए आप लिखेंगे क्वेश्चंस को लिखेंगे और जो चार चीज़ें और भी दिए हैं साथ में ऑप्शंस में उनके बारे में भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी जो तैयारी वो आपकी हो जाएंगी क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा तो काम होता नहीं है पर डे अगर आप जो है दस क्वेश्चन भी करते हैं सो मोर दैन इनाफ है, so, है वो, बहुत ज़्यादा है बल्कि ठीक है तो आप ये अपना एक रजिस्टर बना दीजिए एम ए जोग्राफी करके अपने लिए एंड देन फिर उसमें जो है पहले तो पी वी क्यू लिखिए फिर टॉपिक वाइज़ जो मैं आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने जैसे कहा कि मैं एक प्ले लिस्ट अभी बनाऊँगी जोग्राफ़ी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके तो फिर आप वहाँ से एम सी क्यू लिखते रहिएगा और जो मैं उसमें बताते जाऊँगी वो अपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी फ्री में वो भी ठीक है सो इसका फ़ायदे उठाइए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ऐसा नहीं सोचना कि भाई मेरे दोस्त के मुझसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे मैंने उसके साथ शेयर नहीं करना डू शेयर राइट अगर आप किसी और को बताओगे तो उसका बेनिफिट आपको भी होगा राइट सो so, इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा देन उसके बाद हमारा वेदर मैप एंड रिलीफ़ शो मैथड अब मैं आपको बताती हूँ वेदर मैप जैसे हीदरग्राफ है क्लाइमोग्राफ है उससे रिलेटेड रिलीफ शो मैथड जो है इसमें आपका जैसे रिलीफ है वो किस दिखाया जा सकता है जैसे कॉन्टूर्स हैं आपकी राइट स्पॉट हाइट है बेंच मार्क है उनको देख लीजिएगा आपका थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है मतलब सिंपल सी चीज़ें ही पूछी जाती हैं देन रिमोट सेंसिंग में अगर आप देखें रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पूछे जाएंगे विब्योर जो ग्रीन कलर सेवन कलर्स उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वेव लेंथ या फिर फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी के बारे में पूछ लेंगे ज़्यादा कुछ नहीं दिन सेटेलाइट के बारे में टाइप ऑफ सेटेलाइट मतलब टाइप ऑफ सेटेलाइट के बारे में मेनली हाइट जैसे है जियो स्टेशनरी की कितनी हाइट होती है आपके जो सिन सनस्क्रीनो जो सेटेलाइट है उसके बारे में पूछ लेंगे या फिर जो इंडिया ने लॉन्च किया सेटेलाइट रिसेंट में या फिर लैंड सेट वगैरह तो उनसे पूछ लेंगे जी में मेनली ज़्यादा नहीं पूछते हैं जैसे मेटर डाटा क्या है डाटा अबाउट डाटा इतनी है छोटी सी चीज़ पूछ लेंगे आपको नेशनल एजेंसी जैसे अन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ी सी इन एजेंसीज के बारे में पूछ सकते हैं राइट ब्रीफ में राइट दैन कमिंग टू इंडियन जोग्राफी सो फिज़ोग्राफी इंडिया की राइट लेफ़्ट राइट कोई भी एक बोल लेंगे कि भई जैसे आपका पेन इंडिया है वो आपके उसका क्या शेप है राइट या पूछ लेंगे कि जो साउथ सेंट्रल हाईलैंड है वो आ, किस तरफ है जो नलबदा रिवर है वो किस को डिवाइड करती है तो इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स से रिलेटेड उनके ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड पूछेंगे कि कौन सी नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है या फिर कौन सी नदी कहाँ से बहती है कौन सी नदी जाके अरिबिन सी में गिरेगी कौन सी नदी जाके बे ऑफ बंगाल में सॉइल के बारे में भी पूछेंगे कि कौन सी लेटराइट सॉइल ब्लैक सॉइल ये कहाँ कौन से स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है एंड इसके लिए उपयोगी जो है क्रॉप कौन सी है ब्लैक सॉइल के लिए राइट मल्चिंग सॉइल किसे कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन बेसिक सॉइल क्वेश्चन देन एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो वही मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कौन सी जो क्रॉप है वो ज़्यादा होती है इरीगेशन का कहाँ पर ज़्यादा है इस तरह के क्वेश्चन मिनरल एंड इंडस्ट्रीज में आपके कहाँ पर कौन सा ज़्यादा मिनरल होता है कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है नेशनल पार्क के बारे में एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन लिटरेसी में इसकी ग्रोथ के बारे में पूछेंगे या फिर कितना नेगेटिव ग्रोथ हुआ है कितना पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है या फिर क्या है किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है राइट लिटरेसी कितनी है तो इस तरह के क्वेश्चन फॉरेस्ट एंड इंडियन बॉर्डर्स फॉरेस्ट में जैसे आपका किस आ, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइप का फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन या फिर कोई आपको जैसे एग्जाम्पल दे देंगे देवदार पाइन ये कौन से फॉरेस्ट के अंदर आते हैं राइट right? या फिर कितनी हाइट पे लगते हैं ये ट्रीज़ इस तरह के क्वेश्चंस इंडियन बॉर्डर्स जैसे इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का बॉर्डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे चाइना तो के साथ लगता है तो क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ लगता है तो क्या कहते हैं अफगानिस्तान के साथ लगता है तो क्या कहते हैं उसी तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके देन कमिंग टू हिमाचल का जो आपका जोग्राफी और जी है और अप्लाइड एंड वर्ल्ड जोग्राफी राइट हिमाचल के जीके में आपको नदियों के बारे में पूछ लेंगे पांच तो नदियाँ हिमाचल में तो उनको रट लीजिएगा आप राइट एंड देन माउंटेन रेंजेस के बारे में शिवालिक एंड ऑल दिस ट्रांस हिमालय में कौन सी जो है वो पीक्स आती हैं वो वो देख लीजिएगा ऑथर्स एंड बुक्स के बारे में समटाइम्स पूछ लेते हैं टेम्पल्स एंड लैंग्वेज़स कौन सा टेम्पल कहाँ है कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है किसके द्वारा बोली जाती है ट्राइब्स के बारे में गद्दी ट्राइब कहाँ है राइट इस तरह से या फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में पूछ लेंगे आपको वॉर्स एंड एम्परर्स जैसे आपकी वॉर्स हुई थी मतलब ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए थे जैसे कांगड़ा के फोर्ट के बारे में पूछ लेंगे उनके एम्परर्स के बारे में पूछ लेंगे कि ये राजा कहाँ का था उसकी रियासत कौन सी थी इस तरह के जो है जनरल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं देन कमिंग टू और हिमाचल का जो जोग्राफी एंड जी बोथ मैंने आपको बताया ना कि जो प्लेलिस्ट है जोग्राफी ऑफ हिमाचल हीमा, करके हिमाचल जीके करके है एक प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट में मेरी कुछ वीडियोस हैं थर्टी टू के आसपास होंगी तो उनको देख लीजिएगा पूरी देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब पहले आप ऐसा कीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने उसमें बताया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ फेयर एंड फेस्टिवल कौन सा होता है या फिर कोई पर्सनैलिटी है जिसने बहुत अच्छा काम किया है या ऑथर जो भी रहे हैं लैंग्वेज़ कौन सी बोली जाती है और वहाँ का कस्टम कैसा है वो सारी चीज़ें मतलब एक ही वीडियो में पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया है तो आप पहले तो उन बारह वीडियोस को देख लें वो ज़्यादा लंबी नहीं है छोटी छोटी हैं और फिर एम सी क्यू फॉर्मेट भी भी मैंने उसमें वीडियो डाली फिर आप उन्हें सॉल्व कर लें वहाँ पे एम सी क्यू तो आपको अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मतलब मज़े मज़े में ही आप जो है आपको हिमाचल का जी के जो है वो आ जाएगा आपके पंद्रह से बारह से पंद्रह क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे गलत होने के तो चांसेस ही नहीं है राइट बाकी अगर आप आ, को लगता है कि जब हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी जो है क्वांटिटेटिव एग्जाम वाली सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली तो फिर आप मुझे उसमें कमेंट करते रहिएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए किस टॉपिक पे चाहिए सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना देन अपलाइड जोग्राफी में अगर आप देखें वी हैव डेजर्ट एंड माउंटेन्स इंडस्ट्रीज लोकेशन प्लेस एंड मोमेंट अप्लाइड जोग्राफी में मेरे आपको डिजर्ट के बारे में पूछेंगे कि ये वाला डिज़र्ट कहाँ पे है ये वाला माउंटेन कहाँ पे है इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी सेम ही है कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है किस लिए है फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन के लिए कौन सी फेमस है एंड कौन सा रीजन फेमस है कौन से मिनरल के लिए इस तरह के क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ प्लेस जैसे आपको जो है जनरली इसमें आपका आता है जोग्रिकल लोकेशंस के बारे में पूछेंगे कि ये सी को कहाँ है या फिर ये जो है स्ट्रेट कहाँ पे है किसको कनेक्ट करती है इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन कहाँ से गुजरती है एस डी आई एंड ऑल दिस इसके बारे में पूछेंगे मोमेंट अगर आप देखें तो माइग्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि जेंडर सिलेक्टिव माइग्रेशन कहाँ होती है माइग्रेट क्यों होते हैं लोग क्या वजह है तो ऑल दिस वर्ल्ड जोग्राफी में आप देखेंगे तो आपको ट्राइब्स के बारे में पूछ सकते हैं वर्ल्ड की मिनरल्स के बारे में माइनिंग फील्ड्स के बारे में रिवर्स के बारे में वर्ल्ड की जो थोड़ थोड़ी थोड़ी फेमस है उनके बारे में पॉपुलेशन एंड लिटरेसी सेम जैसे मैंने आपको इंडियन जोग्राफी में बताया था ना सेम पैटर्न गोल्स फॉर वर्ल्ड जोग्राफी स्ट्रेट एंड बे के बारे में पूछेंगे सी ओशन एंड बॉर्डर्स के बारे में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में हालांकि पूछा नहीं गया है समटाइम्स हो सकता है कि पूछ लें आपको सो यू नीड टू बी प्रिपेयर सो so, अगर आप इतना कर लेंगे इट्स मोर देन सफिशियंट आप आँख बंद करके अगर इस पर वीडियो पे विश्वास कर लेंगे सो यू आर डेफिनेटली विल कवर गुड मार्क्स और अगर आप ये टॉपिक जो है वो जो है वो स्टडी अच्छे से करेंगे सो so, आपको क्या अप्रोच जो है थोड़ी सी अडॉप्ट करनी है uh, टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ड्राफ्ट बनाया हुआ है सो यू पीपल कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस सो व्हाट टू डू है ना आपको करना क्या चाहिए देखें पहले तो आप देखेंगे मेक अ स्ट्रेटी एंड प्लान अपना जो है प्लान आप बना दें कि कब आपने क्या करना है फिर आपने जो कोर सब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट करना है और अपनी जो स्टडी है वो जारी करनी है तो कोर सब्जेक्ट जैसे आपका जो मॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी है वैसे आपका कोर जो है सब्जेक्ट मेनली तो फिर आप वो कवर करिए पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी मैं तो ये कहूँगी फिजिकल ज्योग्राफी और पहले आप जो है इंडियन जोग्राफी को कवर कीजिए ठीक है देन यू गो फॉर अ कार्टोग्राफी एंड आगे जैसे भी आपको ठीक लगता है उस तरह से देन आपने क्या करना है वंस यू डिसाइडेड यू आर कि आपको क्या करना है सब्जेक्ट फिर आप उसमें जो है टॉपिक वाइज़ जो है कंप्लीट कीजिए बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए अच्छे से अच्छे से एक नोटबुक लगाइए जैसे मैंने आपको बताया अच्छे से उसमें नोट्स बनाइए एटलस को अपने साथ रखिए इंडिया जैसे आपका ऑक्सफोर्ड का एटलेस आता है तो उसमें इंडिया का भी बहुत अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन है मैप का और वर्ल्ड का भी तो आप अपने साथ रखिए छोटे से स्मॉल हैंडी नोट्स बनाइए ताकि आप रिविजन्स भी मतलब करते रहें सुबह और शाम अच्छे से रिविजन कीजिए सॉल्व करें पी वाई क्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तो मेरे पास पी वाई क्यूज़ मतलब पी डी एफ उतनी ज़्यादा नहीं है आई थिंक एक दो क्वेश्चन पेपर की है सो so, मैं आपको टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूँगी एक तो मैं आज ही डाल दूँगी सो so, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं ठीक है हेल्प उस वहाँ से बाकी के अगर मेरे पास पहुँचते हैं पी आई क्यूज़ एंट्रेंस की तो मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर नहीं मैंने शेयर किए तो सोचिएगा कि फिर नहीं मिले मुझे ठीक है सो so, क्योंकि आई एम समेयर एल्स ना वो जो मेरे पास मटेरियल था वो कहीं और रह गया है तो उस वजह से तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है जितना मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी एक ही है शायद एक या दो होंगी तो मैं आपको वो वहाँ पर शेयर कर दूँगी तो उन उनको आप सॉल्व कीजिए अपने से जो आपको लगता है कि ओके इस वाले पोर्शन से पूछा गया है या फिर मुझसे कुछ छूट गया है राइट तो आप खुद ब खुद ऐड कीजिएगा ठीक है फिर आपने क्या करने हैं मॉक टेस्ट जो है टॉपिक वाइज जो है उनको सॉल्व करना है पहले तो आपने क्या किया अपना सब्जेक्ट देखा कि अच्छा ये पढ़ना है टॉपिक आपने देखा कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी आपने मैप भी प्रिपेयर करना है साथ साथ मैप की हेल्प से आप ज़्यादा इजीली जो है कवर कर लोगे और याद भी रहेगा हैंडी नोट्स बनाने हैं एंड रिवीजन करना है राइट एंड देन पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं आपने मॉक टेस्ट हो गया आपका एंड uh, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट uh, लगाने हैं आपने राइट और रीड एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम और उन्हीं चीज़ों को जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर एम जो है हाँ आप लिखेंगे तो उनको रीड करना है और रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम और अपने ऊपर विश्वास भी रखना है राइट सो इफ़ यू डू दीज थिंग्स सिक्वेंस वाइज चार चीज़ें भी अगर कर, कर लोगे में से मोर देन सफिशिएंट है राइट टॉपिक कंप्लीट कर दिया बेसिक क्लैरिटी हो गई रिविजन कर दिया और मॉक टेस्ट कर लिए तो वो मोर देन सफिशियंट है आपका जो एंट्रेंस है वो क्लियर हो जाएगा बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी राइट इन द कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय एंड टेक केयर